एक बार फिर दरिंदों के हत्थे चढ़ी मासूम नाबालिग किशोरी, चरी के खेत में मुंह में कपड़ा ठूस कर आंखें निकाल कर फेंका अर्धनग्न शव। माँ बाप अपनी बच्चियों को बड़े ही लाड़ और प्यार से पालते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। वे अपने बच्चियों की हर ख्वाहिश को पूरे करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हीं माँ बाप के घर की लाडली का शरीर नोच कर कुछ दरिंदे उसे मौत की नींद सुला दें तो उन पर क्या बीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो। दिन प्रतिदिन सुर्खियों में आपको बच्चियों नाबालिग किशोरियों के साथ रेप और हत्या की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। हम उन खबरों को देखकर और सुनकर चंद मिनटों के लिए दुख व्यक्त करते हैं। कुछ लोग कैंडल जलाते हैं लेकिन फिर सब कुछ भूलकर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही घटना आपके आसपास हुई हो या आपके परिवार के साथ हो और आप उस शव को देखकर, आपकी रूह पर क्या बीतेगी? विदृश्य आपके दिमाग में बार बार तैरते नजर आएंगे। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में देखने को मिला, जहां कुछ दरिंदों ने 15 वर्ष की मासूम किशोरी को चरी के खेत में इस क्रूर घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला के गांव सलेमपुर नगला खार का है, जहां खेत में एक किशोरी का शव पड़ा हुआ मिला। उस शव को देखकर आसपास के ग्रामीणों के पैर के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस शव की हालत इतनी गंभीर थी कि लोग उसे देखकर पहचान भी नहीं पा रहे थे। दरिंदों ने किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूस कर आंखें नोच रखी थी और शव को आधे कपड़ों में छोड़कर चला गया था। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जिसने भी इस किशोरी का यह हाल किया है वह इंसान नहीं, जानवर जैसी मानसिकता रखने वाला कोई दुष्ट राक्षस ही होगा। किशोरी की उम्र केवल 15 वर्ष की थी और वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी। किशोरी के घर वालों की जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद किशोरी लापता हुई थी। परिजनों ने पहले यह समझा कि गांव में चल रही भागवत कथा में गई होगी, लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने गांव में पड़ोसियों और उसकी सहेलियों आदि से पूछा, जानकारी ली, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिजन रात भर उसकी हर संभव स्थान पर तलाश करते रहे। सुबह के समय जब एक ग्रामीण शौच के लिए खेत पर गया तो चरी के खेत में उसका शव देखता हुआ चीखता हुआ गांव वापस पहुंचा। उसने परिजनों को खेत में किशोरी का शव पड़े होने की जानकारी दी। मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों के अनुसार किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और उसके हाथ में कील ठोकी गई थी। इसके साथ साथ किशोरी की आंखें भी निकाल ली गई थी। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि एक मासूम कोमल कली की इतनी नृशंस और निर्मम हत्या के पीछे की वजह क्या थी? क्यों कोई दरिंदा हैवानगी की इस हद तक चला गया? खैर, पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक किशोरी की गला दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं और उसकी हत्या करने के पीछे एक या एक से अधिक लोग शामिल हैं कि नहीं। फिलहाल परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है, लेकिन किशोरी के घर और पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और किशोरी के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन आपको क्या लगता है, दरिंदों द्वारा इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया है वह किस मंशा से दिया गया? क्या वाकई दरिंदों ने किशोरी के साथ रेप किया? और अगर रेप किया है तो किशोरी के साथ इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई कि उसकी आंखें नोच ली, उसके हाथों में कील ठोक दी, मुंह में कपड़ा ठूंसा और गला दबाया? अब ऐसे दरिंदों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी खबरदार कीजिए ताकि वह अपनी बेटियों को जागरूक कर सकें और इस तरह की घटना का कोई भी संकेत मिलते ही वह अलर्ट हो जाएं और इस प्रकार की दरिंदगी से बच सकें। कहने को बहुत कुछ है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए खबरदार शो। देखिए, नगला खार गाँव के प्रधान जी द्वारा आज थाना प्रभारी टुंडला को एक सूचना दी गई कि एक चरी के खेत में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहुँचे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पहुँचे, घटनास्थल का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया गया है। शव को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम आके यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसमें 3 टीमें लगा दी गई हैं, थाना की टीम तो है ही, इसके अतिरिक्त एसओजी और सर्विलांस टीम लगा दी गई है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। देखिए, गले में उनके दुपट्टे का क्या कहते हैं दुपट्टा बंधा हुआ है और अन्य जो भी इसके कारण हो, हम उसे सभी पे हम डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे और जिस भी तरह के इसमें हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे आगे की हम कार्रवाई कराएंगे।